बाबूजी फल ले लो बाबूजी। बाबूजी फल ले लो ना। अभी सब अकाउंट बंद हो गया है। सब बहुत जरूरी है, प्लीज। पांच बज चुके हैं, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। ओह श्योर, थैंक यू। एक संतरे वाली कैसे दिए? एक देना। चार आने के एक है बाबूजी। कार नंबर 2407। हमारे हाथ से तो बच गए, लेकिन भगवान के हाथ से ना बच सके। Thank you.
गुफा में। बॉस कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ बॉस। बॉस शेर है, वापस आ जाओ, वापस आ जाओ। बॉस ये तो बुरी तरह जख्मी है। तो रहने दो, इसके पंजे से कांटा निकाल दो। अपना कांटा निकल जाएगा, सोचो मत, वापस भागो। ठहरो, नहीं मानेगा। बॉस तो बॉस देखो पास में जाओगे फाड़ डालेगा वो। नहीं मानेगा, खुद तो मरेगा, हमको मरवाएगा। गॉड देखा शेर, अरे अरे अब ये जंगल का बादशाह मेरा गुलाम बन के रहेगा, देखना मैं इससे क्या काम लेता हूं। मारा गया, मेरा बेटा मारा गया। नहीं नहीं, यादवा ने दिया। हे भगवान। डैडी विक्रम, अखबारों का भरोसा मत किया करो डैडी, वो हमेशा गलत खबरें देते हैं। मेरे बेटे, बेटो तुम जिंदा हो? तुम जिंदा हो मेरे बेटे? जिंदा हूँ पिताजी, जिंदा हूँ, और बड़े जोर से जिंदा रहूंगा। सरकार ने अभी तक वो गोली नहीं बनाई जो मुझे मार सके। लेकिन बेटा, मुझे तो इस पुलिस से बहुत डर लगता है। डरने की कोई बात नहीं डैडी, मैंने एक जंगल में अपना ठिकाना बना रखा है। जंगल में? कौन से जंगल में? दक्षिण के एक घने जंगल पंचमलाई में। पंचमलाई? हाँ। नहीं, 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 वो तो बहुत ही खतरनाक जगह है। वहां का सरदार सुमैया बहुत ही भयानक आदमी है। बेटा, जब तुम बच्चे थे, मैं इन जंगली लोगों से लेन देन करता था। मैंने उनको अफीम, चरस और गांजा बनाना सिखाया। वो मुझे बनाकर देते थे और मैं स्मगल करता था। एक दिन सरदार को पता चला और उसने मुझे पकड़ा और मेरा बाजू काट दिया। डैडी, तुमने इसका बदला नहीं लिया? ले नहीं सका। दो बार उसको मारने की नीयत से गया, लेकिन अपनी जान बचाकर भाग आया। काश मैं अपना बदला ले सकता। मैं बदला लूंगा, मैं तुम्हारा बदला लूंगा। जिसने तुम्हारा बाजू काट दिया है, मैं उसकी गर्दन काट दूंगा, मैं उसके सारे खानदान को मिटा दूंगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। तुम हमेशा बीरू की बुराई लेकर मेरे पास आते, तुम्हें इस बात का जरा भी ख्याल नहीं कि बीरू की मां नहीं, बाप नहीं, सिर्फ एक बहन है जिसने अभी तक शादी नहीं की और अपने छोटे भाई को पाल पोस कर इतना बड़ा किया। वो मेरी कितनी इज्जत करता है, जंगल की मर्यादा का कितना ख्याल रखता है। तुम उसकी बुराई मेरे पास करने आए हो? निकल जाओ मेरे सामने से, दूर हो जाओ, जाओ। गंगा, गंगा तो रो रही है। मुझे तो डर लग रहता है मालिक कि कहीं ये लोग मेरे बीरू को। चिंता ना करो, मेरे होते हुए किसकी मजाल है जो बीरू की तरफ देख सके। मैं बीरू को उतना ही प्यार करता हूं जितना माला को। काश मेरा भी कोई बेटा होता बीरू जैसा। Oh.
जब से देखा है तुझको होश नहीं मेरे दिल को, हाय रे हाय मैं दीवाना हो गया। जब से देखा है तुझको होश नहीं मेरे दिल को, हाय रे हाय मैं दीवाना हो गया। मौसम भी करता है इशारे, आजा गले से लग जा रे। मौसम भी करता है इशारे, आजा गले से लग जा रे। मेरी कसम है तुझको अब ना तरसा इस दिल को, आजा रे आजा दिल रुआ, आजा रे आजा दिल रुबा। कैसे समझाऊं तुझको, आजा रे आजा दिल रुबा, आजा रे आजा दिल रुबा। जब से देखा है तुझको होश नहीं मेरे दिल को, हाय रे हाय मैं दीवाना हो गया। छोड़ो ना। तो तू आई क्यों? तूने गाना क्यों गाया? अरे जैसे सूरज उगता है फूल खिलता है वैसे मैं गाता हूँ। जैसा तेरा गाना वैसे मेरा आना। ए, ए उधर क्या देखती है? इधर देख। इतना अच्छा तू। अच्छा है, अभी लेके आता हूँ। ठीक है। माँ जिस दिन तो दुल्हन बनेगी ना उस दिन मैं तुझे अपने हाथों से सजाऊंगा। दुल्हन किसकी? मेरी। आ, छोड़ो 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 ना। आ, आ, देखो वो देखता है। कौन कौन? अरे वो तो अपना यार है। तो उसने भी शर्मा के मुंह घुमा लिया। ये सीसा तेरा नहीं मेरा है। हाँ हाँ तूने तो मेरे हाथी का भी दिल जीतिया। जीतूंगी, सारा जंगल मेरा है। तू तो सरदार की बेटी है ना? सरदार की नहीं, मैं जंगल की बेटी हूँ। मुझे प्यार है फूल से, पत्ते से, धरती से, आकाश से। और मेरे से? तेरे से। नहीं, पकड़ो, पकड़ो। क्या हुआ? क्या हो गया? Thank you.
लाया साहब? हाँ लाया, माल अच्छा है ना? क्या है? चरस, तुम भी पैसा लो और ऐश करो। तुम शहर के लोग बेईमान तो होते ही हो, हमें भी चोर बनाना चाहते हो? क्या है? कितने बचा? तू कौन था पूछने वाला? क्या तू जंगल का सरदार है? मैं जंगल का बेटा हूं, मैं तेरा बाप। तो बेलू ने तुम्हारी यह हालत कर दी, उसकी हिम्मत यहां तक पहुंच गई। यह नहीं हो सकता, मैं यह कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। बेलू, तुमने क्या हालत बना रखी है इस आदमी को? देखा तुम लोगों ने, इसके जानवर हमारे लोगों के साथ क्या सलूक कर रहे हैं। जल्दी ले आ सीसा, जल्दी ले आ आलू को। छोड़ दे सीसा, छोड़ दे। सरदार, ये नंदा और रंगलू दोनों जंगल को बुराई का अड्डा बना देना चाहते हैं। और तुम इस जंगल को दुश्मनी का अखाड़ा बना देना चाहते हो? नहीं मालिक, मैं तो चुप रह। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। इन्होंने जो कुछ तुझसे किया था, तुझे आकर मुझे कहना चाहिए था। सरदार मैं हूँ क्या तू? सरदार तो तुम हो मालिक, ये अभी बच्चा है। इसके कान खींच के रख गंगा। मेरी दया ने इसको सर पर चढ़ा दिया। फिर कभी ऐसी हरकत की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। सरदार, तो ये इनका माल भी इनको वापस कर दो। चल सीसा, चले। चरस, इसलिए बीलू तुम्हें यहां लेकर आया था? कहीं जाओ। बाप का बदला बेटी से, अच्छा गुस्सा है। तू चुपचाप देखती रही। तो मैं क्या करती? मेरी तरफ से बोल तो सकती थी। बाबा को शक पड़ जाता। पड़ जाता तो क्या होता? तो मैं तुझसे कभी ना मिल सकती। तो मत मिला कर। ए! छोड़ दे मुझे। शरीफ प्राण को कैसे छोड़ सकता है वीरू? जाएगा कहाँ? मेरा छोड़। नहीं छोड़ती। मेरा छोड़। तू छोड़। ले लो, ले लो। हाथी के दांत ले लो, शहद और कस्तूरी ले लो, हिरनों के सींग ले लो, शेरों की है खाल ले लो, ले लो जी ले लो, ले लो जी ले लो, ले लो जी ले लो, जमाल ले लो, कुदरत का है ये कमाल ले लो, ले लो जी 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 ले लो। लीजिए ना मालकिन, बिल्कुल असली हाथी दांत है। ये कितने का है? 50 रुपए। 50 रुपए? हाँ। नहीं नहीं, 25 रुपए। जो आप कहें। ले लो। फसे।
चुप चुप। नहीं नहीं, यहां से मत निकालो तारा, ये बिजनेस का रुपया है। वेटर साहब, आपका तार आया है। तार है? के लिए हम आए हैं, आप खोल दे, देख तेरे सम्मुख कौन खड़ा है।
बाली के महात्मा से क्या डरना, ये तो गुरुजी हैं। शेर चीते सांप बिच्छू हाथी घोड़े सब इनके करकमंडल में रहते हैं। बाली के आओ मेरे पास, आओ आओ बाली के, जाओ बाली के जाओ, इनसे क्या डर, इनके दर्शन हो गए समझो कल्याण हो गया। आओ बाली के आओ, पास आओ आओ। वाह बॉस, तुम हमेशा जल्दी में रहते हो, ठंडा करके खाना चाहिए, माल अच्छा है। दिस जंगल फ्रूट स्वीट, वेरी स्वीट। ना 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 देवी, लड़की हमेशा हमारी आंख में घुसी रहती है। तो क्या मेरा बाप किसलिए आ रहे हैं? लो, तुमने सरदार की लड़की का शरीर जो छुआ था? तो क्या हुआ? अरे बॉस, शहर की लड़की को छेड़ो तो बन जाती है शादी का धंधा, और जंगल की लड़की को छेड़ो तो बन जाती है मौत का फंदा। कुछ करो ना बॉस। अच्छा तुम उन दोनों को हम ड्रेसअप करके आ रहे हैं। रानी अरे बोतल रखे यार। अरे तुम कांप क्यों रहे? कांप हाँ, हिमालय पर्वत से गुरुजी के साथ आया हूँ ना, वहाँ पर बहुत ठंड थी। अच्छा, धन्य है गुरुजी, कभी यहाँ कभी वहाँ, भाई हम गुरुजी के दर्शन करने आए। दर्शन? ओ दर्शन, पहले क्यों नहीं बताया? ओ दर्शन, इस समय भगवान भी गुरुजी के दर्शन करना चाहे तो नहीं कर, नहीं कर सकते। तुम तो आदमी, हाँ वो भी जंगली। गुरुजी महात्मा जी, गुरुदेव महादेव ब्रह्मदेव, घबराने की कोई बात नहीं, वो लोग आपके चरणों में आए हैं शहद का छलकता हुआ प्याला लेकर, स्वीकार कीजिए ये जंगल फ्रूट। अच्छा तुम जाओ मैं आता हूँ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम अपने विश्वास को बढ़ने दो, हमारी इच्छा पूरी होगी, कार्य सिद्ध होगा। जीते रहो जीते रहो, जब तक तुम्हारा जीवन है जीते रहो। आपने मेरी बेटी की जान बचाई है महाराज। नहीं नहीं, मैंने तो अपने कर्तव्य को पूरा करने के लिए एक पग बढ़ाया है। हम जहाँ रहते हैं वहाँ शेर चीते किसी पर हमला नहीं करते, मांस की जगह घास खाते। स्वामी हम पर दया करो, पिछले साल यहाँ वर्षा नहीं हुई, हमारी खेतियां जानवर खा गए। अगर इस साल भी वर्षा ना हो तो स्वामी जी हम भूखे मर जाएंगे। विश्वास रखो बरखा होगी अपने समय पर। इनकी दया जो हो गई अब सब ठीक हो जाएगा अपने समय पर। ये कुमारी भाग्यवान है, यहाँ आओ बालिके, हम तुम्हें आशीर्वाद देंगे। जाओ जाओ बेटी, सन्यासी का आशीर्वाद लो। आओ जाओ, नहीं तुम्हारी तो किस्मत खुल गई। आओ आओ, हमारी दया हमारी कृपा तुम पर निछावर होनी चाहिए। साक्षात परमात्मा का स्पर्श पा रही है। सन्यासी तो नारी को छूते ही नहीं महाराज, वो कच्चे साधु होते हैं बालक। हमारे गुरुदेव पक्के सन्यासी हैं। अच्छा, नमः शिवाय। बालिके आज से तुम हमारी परम शिष्या हो, हमारे आश्रम के द्वार तुम्हारे लिए सदा खुले रहेंगे।
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जंबो डॉक्टर की रिपोर्ट कहती है कि रामस्वरूप कॉन्ट्रैक्टर को शेर ने मार दिया। ये हो सकता है, वहां के जंगल में शेर चीते बहुत हैं। मैं भी इंस्पेक्टर, मैं भी। लेकिन उसकी वाइफ तारा, उसका क्या हुआ, वो कहां गई? इस केस की सबसे बड़ी मिस्ट्री ये है, शेर आदमी को मार सकता है, उसकी बीवी को उठा के ले जा सकता है, लेकिन उस शेर को उस आदमी के पैसे में क्या दिलचस्पी हो सकती है? यस, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट सर। अगर ये केस आप मेरे सपोर्ट कर दें तो मैं इस केस का पता लगा सकता हूँ। कैसे पता चलाओगे तुम? मैं उस बंगले में जाके डेरा लगा दूंगा सर। ठीक है, अच्छा तुम तैयारी करो। थैंक यू सर। हम वहाँ पर एक लेडी पुलिस हेड कांस्टेबल और एक बहादुर कांस्टेबल भी भिजवा देते हैं। सुना है क्योंकि शेर आदमी को मार देता है और लड़की को उठा कर ले जाता है। ठीक है सर, गुड लक। थैंक यू सर। थैंक यू। सर, टूरिस्ट डिपार्टमेंट भी उस बंगले में रिटायर्ड चीफ इंजीनियर मिस्टर मैनन को भिजवा रहा है। किस लिए? ये देखने के लिए कि उस बंगले की हिफाजत का क्या इंतजाम किया जा सकता है। ओ आई सी। चाची, चाची, ये ट्रैवलर्स बैंगलोर की इंक्वायरी के लिए आप क्यों जा रहे हैं? अरे बैठे बैठे क्या कर रहा हूँ बेटी, कुछ काम करना चाहिए। ओ चाची, आप रिटायर हो चुके हैं, आपको आराम करना चाहिए। अरे सुना नहीं बेटी, आराम हराम है। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे अरे वो तो बड़ी खतरनाक जगह है बेटी, वहाँ पर हाथी हैं, चीते हैं, शेर हैं, बड़े भयानक जानवर हैं वहाँ पर। चाची, आप हमेशा कहा करते थे आजकल जानवरों से नहीं डरना चाहिए, आदमियों से डरना चाहिए ना। अरे अरे हमारी बिल्ली हमी को डराओ है। यहाँ भी नहीं है। दीदी तुम यहाँ? वो घर में नहीं है। दत, मैं कोई उसे ढूंढना थोड़ी आई हूँ। और क्या मुझे मिलने आई है? देख, अब तू दौड़ना भागना सब छोड़ दे, पूर्णमासी के दिन स्वयंवर है, तू जिसे अपना हार अर्पण करेगी उसके गले की माला बन जाएगी। दीदी हाँ। ये पूर्णमासी कब है? पूर्णमासी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7वें दिन पूर्णमासी। 1, 2, 3, 4, 5। Thank you.
भाई जल्दी आना। हाँ। ए सुन तो, कहाँ है? तू क्यों आया? तूने बुलाया क्यों? मैंने तो अपने प्यारे सीसा को बुलाया था। तू कोई हाथी है? क्या कह रही हो? पूजा करने। नाग पूजा? गुरु पूजा। अच्छा? जादे फूल गुरु पे। तू कोई सन्यासी है? सच्चा सन्यासी। अरे मैं तो गुरुजी के पास जा रही थी आशीर्वाद लेने कि मुझे मेरे सपनों का राजा मिल जाए। कैसा राजा? राजा रामचंद्र जैसा। राजा रामचंद्र जैसा? तू राम क्या? तू तो रावण भी नहीं है। लेकिन तू मेरी सीता है। ये तो मुझे गुरुजी से पूछना पड़ेगा उनके चरणों में बैठ कर कि मेरे सपनों का राम कौन है, और तब गुफा वाले सन्यासी बाबा मुझे बता देंगे। सन्यासी 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 सन्यासी, तू ये सन्यासी के लिए आ रही है? वो झूठा है, पाखंडी है, ढोंगी है। तूने मेरे पूजा के फूल क्यों गिराए? उस दिन सन्यासी का बच्चा तुझे बार बार छू रहा था, कहीं पता नहीं कर तेरे बंधुओं के हाथ लगाए। समझी? तेरे विचार बड़े गंदे हैं। वो तो महात्मा है। महात्मा तो क्या, अब अगर भगवान ने तुझे छुआ तो मैं, याद रख माला, अब अगर तू सन्यासी गुफा में गई तो मैं उस बदमाश का खून कर दूंगा। मुझ पर विश्वास ना करती, तू अपने शक पर विश्वास करता है बीरू, तो जा, मैं वहां कभी नहीं जाऊंगी और तेरे पास भी कभी नहीं आऊंगी, जा। अरे तेरा कोई भी आएगा। कोई भी आएगा, मैं नहीं आऊंगी। डैडी व्हाट अ नाइस प्लेस। आइए बेबी। ऑफ कोर्स बेटी, वंडरफुल प्लेस। बेटा आया साहब। बड़े साहब आया, सामान उठाओ चलो। मैं तुम दोनों को राजन की मदद के लिए भिजवा रहा हूँ, तुम्हें उसका हुक्म मानना पड़ेगा। यस सर। और सुनो, वहां ठीक वक्त पर पहुंच जाना। राइट सर। गुड मॉर्निंग सर। देखो खान सामा। यस सर। ये ड्राइवर है, इसे ड्राइवर स्कॉटर दे देना। ओके सर। और मेरा सामान अंदर भिजवा देना। ऑल राइट सर। उठाओ ये सामान। डैडी। ओफो डैडी, फिर रोक दिया बेटी। आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बेटा मैं बंगले की इंस्पेक्शन के लिए जा रहा हूँ। अरे मैं इधर अकेली पड़ी रहूंगी। नाना, ये शंकर है ना तुम्हारे पास? मैं ले बंदूक। मैं अपना काम पूरा करके वहां से किसी को भेज दूंगा बेटी, वो आकर तुम्हें ले जाएगा, तुम तैयार रहना है। अच्छा है? अरे बाप रे, मुझे तो बंदूक चलानी भी नहीं आती। दीदी इसे तुम रख लो, मैं अभी नहा के आया। सर कॉफी। हाँ थैंक यू। क्यों रे, आजकल तो सारा बंगला खाली रहता होगा। नहीं, एक साहब और एक लड़की यहाँ पर है। अच्छा, बड़े ठीक वक्त पे आ गए। जाओ साहब को कहो के हमने बुलाया है। साहब तो बाहर गया, प्रेम साहब अंदर है, बुलाओ। अभी आया और अभी चला गया, उसे तो मुझे पूछ के जाना चाहिए था। खैर मेम साहब को बुलाओ, जाओ। अच्छा साहब। ना ठहर। क्या साहब? इधर आओ, ये ड्रेस मेम साहब को दे देना। अच्छा साहब। और उसे कहे कि ये पहन के तैयार हो जाए, हमें बाहर जाना है जल्दी। ठीक है। हाँ मेम साहब, इसको पहनना मांगता। क्यों? एक साहब यहाँ पर अभी अभी आया, हमको बोला तुमको तैयार होना और बाहर जाना। अच्छा अच्छा, डैडी ने खरीद कर भेजी होगी। अरे मेरे डैडी कितना ध्यान रखते हैं मेरा। आज ही मैंने कहा मुझे जंगल ड्रेस बहुत अच्छी लगती है, और उन्होंने आज ही मुझे खरीद के भेज दी। ओ माय स्वीट डैडी। लेकिन तुम पर मरेगा, जूता पॉलिश करेगा। ए पॉलिश वाला, आगे से हटो। पॉलिश वाला? अरे हम बड़े साहब का ड्राइवर है शंकर। तुम कौन हो? हम बड़े से बड़े साहब का ड्राइवर। क्या नाम है तुम्हारा? नाम नहीं बताऊंगा, तुम हंसोगे। नहीं हंसूंगा।
हाँ मैं समझ गया, तुम्हारा नाम है गणेश, शंकर का बेटा। पिताजी। कहो बेटा जी। माता जी कैसे है? बेटा वो मुझे छोड़कर जंगलों में चली गई। रोमान रोमान मैं आ गया ना रोमान। आओ चलो चलो अंदर चलो, चलो चलो बेटा तुम्हारी माँ को ढूंढते हैं। हेलो हेलो, आप ही लेने आए हैं मुझे? ऑफ कोर्स, मेरे सिवा और दूसरा कौन आ सकता है? देखो गुड वेरी गुड, आप इस लिबास में बहुत ही अच्छी लगती हैं। थैंक यू। ये ड्रेस बनी बनाई मिलती है क्या? हाँ मिलती होगी, लेकिन मैं तो बनवा के लाया हूँ। मेरे डैडी ने तो खरीद कर भेजी होगी। तुम्हारे डैडी? हाँ उन्हीं के साथ आई हूँ मैं। तुम अपने डैडी के साथ आ? अच्छा अच्छा, जाने यहाँ आने के बाद आप लोगों ने अपनी आइडेंटिटी, गुड गुड वेरी गुड, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। क्या समझ गए? What do you mean? आपको यहाँ इस लिबास में अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। क्यों नहीं बोलनी चाहिए? इसलिए कि लोगों को शक पड़ जाएगा। किस बात का? इस बात का कि आप वो नहीं हैं जो नजर आती हैं। मैं वो नहीं हूँ? हाँ लेकिन आप कौन हैं? मैं कौन हूँ आप अच्छी तरह से जानती हैं, और मुझे बताने का ऑर्डर नहीं है। ऑर्डर नहीं है? हाँ। क्या आप बता सकती हैं क्या आप कौन हैं? मैं रिटायर्ड इंजीनियर मिस्टर मेनन की बेटी हूँ। मेनन की बेटी? वेरी गुड वेरी गुड, आपको ऐसा ही कहना चाहिए। अपने को ट्रेनिंग ऐसी मिली तो मिस्टर मेनन साहब की बेटी साहिबा। चलिए कहाँ? अरे आप तो सवाल पे सवाल पूछी जा रही है। देखो मैं जहाँ कहूँगा वहाँ आपको आना पड़ेगा, इसीलिए आपको यहाँ भेजा गया, समझे? आप पागल तो नहीं है? आप तो भटकती जा रही है। मैं आपकी शिकायत करके आपको डिसमिस करा दूंगा। What nonsense? What are you talking? Get out from here. Huh? कैसे बेवकूफ लोगों को भर्ती कर लेते हैं? Hey! दरवाजा खोल! Hey! Hey! क्या कर रहे हैं? गड़े! 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 शंदर! Daddy, ये जंगली नहीं है, ये कोई फ्रॉड है। क्या? जंगली नहीं है? Daddy, क्या देख रहे हैं Daddy? आजकल जिंदगी बहुत फास्ट है बेटा, लेकिन मैं ये नहीं जानता था कि तुम भी इतनी फास्ट हो जाओगी। क्या मतलब? ये ड्रेस कहाँ से आया? आपने भेजा है? मैंने? नहीं, मैंने दिया है। तुम कौन हो जंगली? मैं तुम्हारा बॉस हूँ। बॉस? मेरा बॉस अभी तक पैदा नहीं हुआ, तुमको 420 मालूम हो। शट अप, मैं तुम दोनों को डिसमिस करा दूंगा। वह समझ कर रखा है तुम दोनों ने। यू सॉरी सर, हम आ गए। यानी यानी तुम दो और ये, तुम इतने लेट क्यों आए? गाड़ी नदी में फंस गई थी। नदी में? यहां मैं कीचड़ में फंस गया हूँ। गेट आउट, जाओ। हे, क्या बात है? कैसा है मेरा सिंगार? बात जरा भी अच्छा नहीं है। जानते हो किसने किया है? हाँ किसी उल्लू ने किया होगा। बस जिसने मेरा सिंगार किया उसके हाथ तो बहुत प्यारे प्यारे हैं। क्या? वही जिसने मेरा सिंगार किया है। कौन? कौन है वो? कोई भी हो, तुम्हें उससे क्या? मैं तो अभी जाके उसके हाथ चूम लूंगी। हाथ चूमेगी किसी दूसरे के? हाँ, दूसरे के नहीं, जिसने मेरा सिंगार किया है उसके। किसने किया? जल्दी बता, मां कसम मैं उसके हाथ तोड़ दूंगा। तुम्हारी दीदी ने? दीदी ने? क्षमा करना दीदी, क्षमा करना। मैं दीदी से जाकर कहूंगी कि बीरू तुम्हारे हाथ। नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करना, ऐसा मत करना। तो मेरी बात मानेगा? मानूंगा। वचन? वचन किस बात का? कि तू मेरे साथ सन्यासी की गुफा में चलेगा। सन्यासी गुफा? तू सन्यासी गुफा जा रही है ये सिंगार करके? ये क्या करता है? Ah!
क्या जबरदस्ती है, हर जगह आपकी नाक घुसेड़ता है। यार तो लिहाज कर लेता हूँ, नहीं तो ये क्या हाल बना रखा है, मैं नहीं जाऊंगी। क्यों, वो क्यों नहीं जाता? तू चल मेरे साथ, वो तेरे पीछे पीछे आएगा, चल। नहीं नहीं, हम महापूजा के लिए भीतर जा रहे हैं, तुम सब ध्यान में मगन हो जाओ, ये हमारी आज्ञा है। हाँ हाँ, करो ध्यान, करो ध्यान, होगा कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तुम लोगों पर नजर रखो, मैं भी आता हूं। यस बॉस। ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, ओ मर घट के बासी, मर घट के बासी। तू तो मुझे धोखा नहीं दे सकती। ओ, अगर जिंदगी सुधारना चाहती है मेरे कहने के मुताबिक चलना। बम बम ओ मर घट के बासी, ओ नम शिवा। चलो संगी, बम बम भोले। दया करो, या नाथ है, नाथ समझ, इसकी भूल को माफ कर दो,
मेरा इस संसार में कोई नहीं है, एक ही मासूम भाई है, तुम मेरी जान दे दो, इसको छोड़ दो सरदार, मैं भीख मांगती हूँ सरदार, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो सरदार। सूर्य उदय होने से पहले इसे मेरे जंगल से लेकर निकल जाओ, नहीं तो इसे मार दिया जाएगा। चली जाऊंगी सरदार, चली जाऊंगी, मैं कसम खाकर कहती हूँ चली जाऊंगी, कभी नहीं आऊंगी तुम्हारे इस जंगल में। तो ले जाओ, लेकिन सरदार मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। चल मेरे साथ, चलो भैया। मैंने जंगल का कांटा निकाल कर फेंक दिया है, अब कोई खतरा नहीं। अरे बॉस, तुम्हारे रहते हुए क्या खतरा हो सकता है? अरे बॉस का तो जवाब ही नहीं है। हाँ पिंटल, शहर का हाल तो बताओ। बॉस, हाल बहुत खराब है, पुलिस वालों को हम लोगों पर शक हो गया है और वो हमारा सुराग लगाते हुए यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच गए? हाँ, और अब हम लोगों को होशियार हो जाना चाहिए। क्योंकि तेरे बाप जो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। मजाक छोड़ यार, पीस ले। अरे डन, बॉस बॉस डन। ले लो, ले लो। हाथी के दांत ले लो, शहद और कस्तूरी ले लो, हिरनों के सींग ले लो, शेरों की है खाल ले लो, ले लो जी 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 ले लो, जंगल का हुस्न जमाल ले लो, कुदरत का है ये कमाल ले लो, ले लो जी 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 ले लो। शंकर जी की बूटी है ये, नाम है इसका फंग, हाँ घोट के इसको पी जाओ, फिर देखो इसके रंग। बम बम भोले अलग जगाए, हर चिंता को दूर भगाए, मस्ती में दिन रात बिताए, अपने आप ही बज उठेंगे मन के ढोल मृदंग, ले लो हजिल, ले लो हजिल, ले भी लो ना, ले लो जी ले लो, 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 जंगल का हुस्न जमाल ले लो, कुदरत का है ये कमाल ले लो, सस्ते इसके दाम। रूठा प्यार मनाना हो तो, यार को बस में लाना हो तो, दूर से पास बुलाना हो तो, इसको पास में रखने से ही बन जाए बिगड़े काम। ले लो हजी, ले लो हजी, ले भी लो ना। Thank you.
बनाई सुने नारी के मारा गया ब्रह्मचारी आगे। मैं बिल्कुल ठीक कहता था, वो लोग हमारी तलाश में निकल चुके हैं और डाक बंगलों पर ठहरे हुए हैं। हाँ बॉस, जब हम बंगले पर गए तो वो हमें छुपकर घूर रहा था। बॉस कमबख्त एकदम खतरनाक है, मुझसे ज्यादा खतरनाक हो ही नहीं सकता। पुलिस वाला हमसे ज्यादा खतरनाक होता है। 100% खतरनाक बॉस। कौन से कमरे में रहता है बॉस? वो दो आदमी और एक लड़की। कमरा नंबर कौन सा था वो? तीन तीन। हाँ, तीन में ठहरे हुए। वो दो आदमी के साथ लड़की अकेली रहती है कमरे में? क्यों? अरे बाप रे, कैसे रहती होगी? क्यों, क्या हुआ? अरे पीटर, कमरा नंबर तीन। बॉस, कमरा नंबर तीन। क्या हुआ बॉस? सरकार का कोई काम ले लो, जान बचानी मुश्किल हो जाती। दाव भाई तार दे दो। राधिका, क्या हुआ? डैडी कहाँ है? मेरे डैडी को शेर ले गया। अरे शेर तो अपना मुंह लेकर भाग गया बेटी, तेरे डैडी को नहीं ले गया। आपको क्या हो गया था? अरे कुछ नहीं बेटा, वो थोड़ा जरा बेटा। थैंक गॉड, अब मगर डैडी आप बच कैसे गए? बेटा तुम्हारी गोली की आवाज और मेरी इस ढाल ने मुझे बचा लिया। ऐसे मगर क्या दरवाजा खुला था? दरवाजा तो मैंने खुद बंद किया था। इसका मतलब यह हुआ कि शेर ने दरवाजा खटखटाया और आपने खोल दिया? नहीं बेटा, मैंने शेर से पूछा कौन है। शेर ने कहा वेटर सर आपका तार आया, तब मैंने दरवाजा खोला। कमाल करें डैडी, यानी शेर ने कहा कि मैं वे डैडी ये कैसे हो सकता है? शेर कभी बोल सकेगा? ये कैसे हो सकता है? हाँ लेकिन बेटा ये हो सकता है। बात ये है कि आदमी और शेर की कॉन्स्पिरेसी हो तब ये हो सकता है। आदमी और शेर की कौन? थैंक यू डैडी, थैंक यू डैडी। आइंदा से आपको होशियार रहना चाहिए। आपके एहसान का बदला कैसे चुकाएंगे? एहसान नहीं, मेरी ड्यूटी है। गुड नाइट। डैडी ये कितने अच्छे आदमी हैं। हाँ बेटी, अगर ये अच्छा आदमी आज गोली नहीं चलाता ना तो तुम्हारे डैडी को शेर उठा कर ले जाता। डैडी क्या बात करते हैं आप। ठीक कह रहा हूँ बेटी। अगर वहाँ गोली ना चलती मैं उसे जान से मार कर ही आता। जहाँ पुलिस होगी वहाँ गोली तो चलेगी बॉस। मैं उनकी बंदूकें छीन लूंगा। वो कैसे बॉस? हमारी रानी करेगी। तेरे कारण यहाँ आकर मरना पड़ा। अगर तू उस महात्मा को बुरा भला। दीदी तू भी उस नीच आत्मा को महात्मा मानती है? अरे तेरी माला की जान बचाई है उसने। उसमें भी उसकी कोई गहरी चाल होगी, एक दिन भेद खुल जाएगा तब पता चलेगा। राम जाने, अब तो सारा जंगल उसके इशारों पर नाच रहा है। तू देख लेना दीदी, एक दिन मैं उसकी झूठ की खाल खींच कर उसको नंगा कर दूंगा। रखते रखते। रानी
जरा सुनो, वो सीआईडी इंस्पेक्टर राजन का ड्राइवर है और अपने मालिक की चाबी भी उसी के पास है। Oh, I see. Oh, come, darling, baby. Come on, let's go. Da 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 da. Oh, hello, Sonny. तुम्हारा नाम क्या? हाँ, चल, चल. ऐसे कैसे होने को सकता? तुम्हारा शक्ल हिंदुस्तानी और नाम चीनी. हाँ, क्यों नहीं होने सकता? आप ब्रिटिश पीरियड में पैदा हुए होंगे? Yes, yes. ब्रिटिश लोग गया, हम लोग रह गया. लेकिन आपका नाम बहुत अच्छा है, मिस्टर राम और श्याम. नहीं 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 नहीं, रॉय राम दास डिसूज़ा. बाय द वे, दो मीटर का मैनेजर? नहीं, पैसेंजर. नॉटी बॉय. हम लोग भी इधर का पैसेंजर. बाय द वे, दिस इज माय डॉटर मिस रीटा राम डिसूज़ा. हाँ, रीटा, सीता और गीता. ना ना, हेलो, हाउ डू यू डू मिस्टर चाओ? चाओ नहीं, चो, ओ पापा, सो स्वीट नेम. या या, वेरी स्वीट नेम. अब डार्लिंग, लेट्स गो. ओके, बाय बाय डार्लिंग. हाथ मिलाया के दिल का क्लच दबा दिया. बेबी बेबी, ओ बेबी, ओ या, हेलो बेबी. हेलो चाइल्ड. बड़ी मॉडर्न गाड़ी है, आग मिलाई और स्टार्ट. डैडी डैडी, राजन कमरे में नहीं है. अरे बेटा, उसको कमरे में होना भी नहीं चाहिए. क्यों? देखो, तुम ये बात समझ नहीं सकती और मैं तुम्हें समझा नहीं सकता. बैठे चाय पे. मैं अभी आती हूँ. राजन. ला 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 ला. हेलो अंकल. हेलो पापा, तो इवनिंग ऑफ कॉस्ट से बाहर गया. तो रोड क्लियर है. What? Hey, तुम दादा के कॉस्ट बंद करता है? इधर एक्सीडेंट का बहुत बड़ा खतरा है. दरवाजा बंद रखना मांगता, बहुत बड़ा डेंजर, शेर आता है. हम इधर रहने को नहीं सकता. पापा, हम पापा को बुलाते हैं. पापा, darling, don't fear, but don't come near. हमारे पास बंदूक है. What? तुम्हारे पास बंदूक है? तुम हमको बंदूक देने को सकता? हम शेर को मारेगा. डार्लिंग, हम तुमको जान भी देगा. ओ, हमको तुम्हारा जान नहीं मांगता है, हमको बंदूक मांगता है. तुम हमको बंदूक देगा? देगा. प्रॉमिस? प्रॉमिस. बेबी डार्लिंग, जल्दी जाओ, मैं जाओ, मैं जल्दी जाओ, मैं आ गया. ओह गॉड, हेल्प मी. क्या होगा अभी? ओह गॉड. Hello, Papa. Oh, hello, darling. How are you? Fine, Papa. Oh, girl, baby, ये कौन? हाँ, Papa, वो मेरा girlfriend है. तुम्हारा girlfriend? हाँ. Hello. Oh, पर्दे वाला, पर्दे वाला. By the way, baby, तुमने इनके वास्ते कुछ नाश्ता वास्ता मंगवाया क्या ना? Oh, sorry, Papa. हम अभी लेके आते हैं. Sorry, girl. देख, तुम इनके वास्ते नाश्ता लेके आओ और हम तब तक इनके सेव करेंगे. ओके पापा. ओ डार्लिंग, सी यू, बाय बाय. डी 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 डी. रीटा, मैं भी आती हूँ. बेबी, इट्स इट्स काय को घबराता है. रीटा अभी आएगा. कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, माय बेबी एलिफेंट. कम ऑन डार्लिंग. आज उस बुड्ढे ने मेरी इज्जत लूट ली. अरे शंकर, क्या हुआ? किसी रीच ने काटा है? नहीं यार. तो रीच नहीं होगी? नहीं यार, ये तो रीटा के प्यार की निशानी है. क्या? आज रीटा ने मुझे बड़े प्यार से गले लगाया. और गले लगाया तुमको? और यहाँ पर मोर लगा दी. चुप कर बेटे, चुप कर. मैं तुम्हें भी तरकीब बताता हूँ. तुम अभी जाओ, रीटा इस वक्त कमरे में बिल्कुल अकेली है. तू वहाँ जाकर कहो, शेर, शेर. बात 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 बात, बिल्कुल इसी तरह वो तुम्हें अपने गले से लगा लेगी. इसी तरह जोर से? बिल्कुल जोर से. शेर का नाम लेने से गाड़ी एकदम स्टार्ट, एकदम स्टार्ट विदाउट ब्रेक. शेर आता है, शेर आता है, शेर आता है. जाओ बेटे, रीटा तुम्हें बाद में गले लगाएगी, उसका बाप तुम्हारी गाड़ी पहले ही पंचर कर देगा. उई, पर गए. हेलो चाओ. मैं तुमको कुछ बताने आया हूँ. बताने को सकता? कह दो. बोलो.
कह दो। बोलो ना। इधर शेर आता है। वो तो शंकर बोला होता। आ? शेर शंकर बोला होता। बाबर शेर आता है। चीता, भालू, बंदर, मगरमच्छ। ये जंगल है, सब आने को सकता। शंकर गर्दे का बच्चा सब बोल दिया, सिर्फ एक चीज, चुआ। चुआ? माय गॉड। इसका बटन चुआ ने दबा दिया। डरो मत, मुझे जोर से पकड़ लो, जोर से पकड़ लो। तुम चुआ से नहीं डरता? मैं किसी से नहीं डरता। आई सी, तुम्हारा पास बंदूक है? दो नाली बंदूक। हाउ स्वीट यू आर। इतना जोर से नहीं, इतना जोर से नहीं। मेरा मालिक शेर को मारकर पूरे गैंग को पकड़ लेगा। नहीं नहीं, वो सब सीक्रेट है, सीक्रेट। चाओ, हमको तुम्हारा बात बहुत अच्छा लगता। तुम बहुत स्वीट है। तुम हमको गन देने को सकता? देगा, देगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चुआ, चुआ। ये तो एक चीज से एक ही बार डरती है। चाओ, जाओ, बंदूक लाओ। ये क्या कर रहे हो? देखो, ये शेर का पंजा है और इसके साथ साथ ये आदमी के पांव के निशान भी है। इसका मतलब ये है कि शेर के साथ कोई आदमी भी था। आदमी? हाँ, आदमी। और ये दोनों इस तरफ गए हैं। ये देखो। ओहो, अरे मैम साहब, ये मेरे पीछे पीछे आप कहाँ आ रही हैं? जहाँ तुम जा रहे हो। मैं तो शेर के मुंह में जा रहा हूँ। मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं जाने दो? सच कह रही हो? क्यों? बातों बातों में मेरे दिल को चुराया तुमने। कौन हो तुम, कौन हो तुम? बिखरी हुई दुनिया
बंदूक भी लाया और हम भी आया। How sweet you are. अरे डार्लिंग, तुम्हारे गाल में क्या हो गया? डार्लिंग, तुम्हारे बाप का दांत बहुत तेज है। अभी तक वो सोया नहीं। नहीं। मैं अभी उसकी बैटरी डाउन करता हूँ। बाय। हेलो चाओ। बंदूक लाया? लाया। स्वीट यू आर। दरवाजा खोलो, हम अंदर आएगा। नहीं नहीं चाओ, अभी चाओ, अभी डैडी जागता है, जब ही सोएगा पिछू आओ। तुम्हारे बाप को सोना ही मांगता है, तुम्हारे पास स्लीपिंग पिल सोएगा। नॉटी बॉय। अभी जाओ पिछू आओ। ठीक है, बुड्ढे का रेडिएटर ठंडा करने की तरकीब मेरे पास आए। अभी आया। बाय। अभी आएगा। लेकिन तुम इधर इस वक्त कार को आ रहे हो। अंकल, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। ओह ऐसा, कांग्रेचुलेशन सर। थैंक यू थैंक यू। हाँ तुम्हारे लिए। अंकल कम ऑन, थोड़ा पानी अंकल। ओह श्योर श्योर। दिस इज वाटर फॉर यू। Oh, thank you. This is glass for you. That's our master. Okay, okay. Excuse me. Hello. Oh, hello, Chow. Good evening, Mr. Ram or Shyam. आपका नाम क्या है? Rai Ram Das D'Souza. Good evening, उस नाम को. तुम इधर कार को आए, Chow. आज मेरा बर्थडे है। तुम्हारा बर्थडे, कांग्रेचुलेशन। ये मेरे लिए, आपके लिए भी और मेरे लिए भी। पैसा मेरा। I'm not a boy. Come on, let's go. Come on, Chosan. Come on, come on, come, come, Cho. Sit, sit. सर, तुम्हारा बर्थडे भी आज, तुम्हारा बर्थडे भी आज, तुम दोनों का बर्थडे क्या एक दिन होता? दिन एक है, साल दूसरा है। कम ऑन, आई विल शो यू द ड्रिंक्स। या अंकल, बेबी किधर है? बेबी, बेबी हमसे रूट के कमरे में। दरवाजा बंद कर सर। क्या दरवाजा बंद? हाँ क्यों, आज वर्किंग डे नहीं है? नहीं नहीं, आज तुम दोनों का बर्थडे है ना, हॉलिडे हॉलिडे। मैं कल क्यों नहीं पैदा हुआ? हाँ सर, यस सर। अभी बेबी को मना के लाता हूँ, तुम ये पियो, वो अभी आता आएगा ना, आएगा। चीयर्स चीयर्स। डार्लिंग डार्लिंग रीटा। हम रीटा है, उनका बाप है। चलेगा डार्लिंग।
भी गया, वो आदमी भी गया। रीता किधर गया अंकल? अरे ये भूत है। किधर गया वो? किधर गया? ऐ मूर्ति है, रीता का बाप नहीं है, हाथ नहीं है, देखो हाथ नहीं है, नहीं है। किधर गया वो? किधर गया वो रीता का बाप? अरे भूता भूता, चलो रीता के पास चलते हैं, चलो। कौन थी वो? उस कमरे वाली लड़की। कहाँ गई? उधर उधर। मुझे डर लगता है, मुझे डर लगता है। डर लगता है? अरे ये तो मेरी गन है, और ये तो टैडी की है। ऐसे इसका मतलब ये है कि उन लोगों ने मुझे पहचान लिया कि मैं कौन हूँ। राधिका बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी जान बचाई। तुम्हारी नहीं, अपनी। साधु सन्यासी, सन्यासी वो सन्यासी नहीं, बैरूपिया है। बेटी तू ये क्या कह रही है? वो सन्यासी नहीं बल्कि भगवान है। बाबा वो। बेटी मैं गुरुजी की आज्ञा लेकर आया, कल पूनम की रात को तेरा स्वयंवर होगा, तू जिससे चाहे विवाह कर सकती है। मैं किसी के साथ ब्याह नहीं करूंगी। कल नहीं होगा, ये मेरे गुरुजी की आज्ञा है। गुरु? वो गुरु है? बीरू कहता था उसकी सब बातें झूठी हैं। बीरू का नाम मत ले, अगर वो यहाँ आया तो मैं उसे जिंदा मारती हूँ। मारो मारो, मुझे भी मारो, मगर मैं बीरू के बिना नहीं रह सकती। लेकिन याद रख, बीरू के साथ तेरा विवाह नहीं हो सकता, हल्के नहीं हो सकता। पापा, मैं ब्याह नहीं करूंगी, मैं किसी के साथ ब्याह नहीं करूंगी। बीरू, अब तू ये हार फूल लेकर माला के स्वयंवर में जा रहा है, कुछ सोच, क्यों मेरी जान का दुश्मन बन रहा है? मैंने माला से कहा था दीदी, जब वो दुल्हन बनेगी तो मैं उसे अपने हाथों से सजाऊंगा। तो चल मैं तेरे साथ चलूंगी, दोनों बहन भाई एक साथ मरेंगे। सीसा तू जा, उसे फूल देना और कहना माला तू बीरू को भूल जा, नए जीवन की खुशियों में समा जा। खिला रे खिला रे, खिला रे खिला रे खिला रे, चांद खिला तारे खिले, जीवन साथी ढूंढने की रात आ गई रे। चांद खिला तारे खिले, जीवन
साथी ढूंढने की रात आ गई रे। बीत न जाए रात के साए होले होले पांव दबाए, बीत न जाए रात के साए होले होले पांव दबाए। थाम ले भैया ओ मोरे सैया, काहे को तेरा जी घबराए। थाम ले भैया ओ मोरे सैया, काहे को तेरा जी घबराए। तेरी मेरी ये प्रेम कहानी आज अधूरी रह न जाए। चांद खिला तारे खिले, जीवन साथी ढूंढने की रात आ गई रे। कर ले प्यार नीली नीली रात नशीली, ओ दिल है बेकरार राजा कर ले प्यार। आई आई रे पूनम की रात पिया, आजा कर ले मिलन की बात पिया। सीने से लगा लिए आज मुझे, होठों पे रख दे होठों पे, होठों पे। आज मौका भी है और रिवाज भी है, आ सच कर ले जीवन सपने, आ सच कर ले जीवन सपने। चांद खिला तारे खिले, जीवन साथी ढूंढने की रात आ गई रे। आई बहार आई मस्ताना प्यार लाई, दिल में तू दिल को डाल दे रे, अरमान दिल के निकाल दे। तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए, ये रात है तेरे मेरे लिए, ये रात है तेरे मेरे लिए। हम जानते हैं ये बीरू की करतूत है। पहले तो वो हमें नीचा दिखाना चाहता था, अब उसने तुम्हारे माथे पर कलंक लगा दिया है। बीरू, बीरू, बीरू। हाँ सरदार, मैंने बीरू के हाथी को पास वाले जंगल में अभी अभी देखा है अपनी आंखों से। उसकी ये मजाल, माला के साथ बीरू को यहाँ जिंदा या मुर्दा लाओ। खड़े क्यों जाओ। यही घर है, वो अभी आ जाता है, मैं उसे अभी भेजती हूँ। आ
काश मुझे ही वीरू समझ ले। तो तुमने मुझे यहाँ धोखे से बुलाया है? नीच, कमीने, हत्यारे? हत्यारा मैं नहीं हूँ। बदमाश! छोड़ दे, हट हाथ मत लगा मुझे, देख, मेरे पास नहीं आना, मैं जंगल की बेटी हूँ, तेरा खून पी जाऊंगी। मुझे हाथ मत लगाना हत्यारे, दूर रह। नहीं, मुझे मत दे, मुझे मत दे। नहीं छोडूंगा, अभी नहीं छोडूंगा। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, भगवान के वास्ते छोड़ दे मुझे, छोड़ दे। माला, ओ बच्चा क्या कष्ट है? आपकी बेटी यहाँ आई होगी, सरदार की बेटी। हाँ, वो बालिका। अरे बच्चा, जंगल के सरदार की बेटी। आज जंगल के सरदार की बेटी है। अरे भाई, कन्याओं का हमारे आश्रम में क्या काम? महाराज तो समाधि में मग्न है। माला! शांत बच्चा, शांत। माला! नहीं, भंग भंग भंग। माला की तलाश में यहाँ तक पहुँचे, अंदर आ जाते हैं। अरे, इसे क्या हुआ? ये बेहोश हो गई। तुम इसके पास ठहरो, मैं वो दफा करके आता। ओम नमः शिवा, ओम नमः शिवा। जय हो गुरुदेव। ओम नमः चुप शांत। स्वामी जी, हम अपने सरदार की बेटी को सब जगह ढूंढ आए। तुम अपने ध्यान से बताओ, वो कहाँ होगी? ओम शिव। हाँ, हम बताते हैं, तुम्हारे सरदार की बेटी को वो महाबाबी बीरू ले गया है। बीरू पर्वत के पार, जल्दी जाओ, नहीं तो भाग जाएगा। जाओ 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 जाओ। बहुत बहुत खसब होके जल्दी धराओ, वो मर गई। क्या? हाँ बॉस, वो बिल्कुल मर गई, मैंने अच्छी तरह देख लिया है। उस सरदार की लड़की अगर पता चल गया तो हमारी खाल खींच लेगा। सरदार, गुरुजी मुझे साथ दे देंगे इस वक्त में। अरे फिर मैं गुरुजी से मिलने आया हूँ, मुझ पे दया करो, मुझे भीतर जाने दो। सरदार, गुरुजी समाधि में मग्न है। हाँ, घोर तपस्या कर रहे हैं। गुरुजी की शिष्या कहाँ है? गुरुजी की शिष्या? गुरुजी की शिष्या क्यों 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 क्यों? मौली कहती थी कि माला को गुरुजी की शिष्या के साथ देखा है। शिष्या के साथ देखा है? असंभव असंभव। वैसे आप यहाँ खड़े रहिए, मैं अंदर जाकर गुरुजी को देखता हूँ। बॉस मारा गया, मैंने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन कोई नहीं मानता। सरदार आ गया है। चलो महाराज, मेरी बच्ची खो गई है, मेरा दिल धड़क रहा है, ना जाने वो कहाँ है। महाराज, बच्चा तेरी बेटी पूरब में बीरू के साथ है, एक बहुत बड़ी सरकारी शाला में। शाला में? हाँ, ट्रेवलर्स बेंगलोर। हाँ, जल्दी जाओ अपने आदमियों को ले। चलो महाराज। शांति। माला की शादी नहीं हुई? रानी कहाँ है? अंदर नहीं है? नहीं, तो फिर वो भाग गई होगी। वो डरती थी कहीं जंगली लोग उसे मार ना डाले। समझ गया, माल भी गायब है। अच्छा, मुझसे बच के कहाँ जाएगी? बॉस, तुमसे बचकर जा भी कहाँ सकती है? मैं तुम्हारे सरदार की गुलाम नहीं हूँ, कह दिया ना, यहाँ बीरू नहीं है, मैं तुम्हारा खून पी जाऊँ। हम तलाशी लेकर जाएंगे। चले जाओ यहाँ से। खबरदार, जो आगे बढ़े तो सीता। अरे बाप रे, अरे ये नहीं आ गया। भागो, 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 भाग
है? साहब, ये लोग लड़की मांग रहे हैं। लड़की? कौन सी लड़की? हमारे सरदार की बेटी। तुम्हारे सरदार की बेटी यहाँ नहीं है। आगे बढ़ने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगा। हमारे गुरुजी ने कहा है लड़की यहाँ है। कौन से गुरुजी? गुफा वाले गुरुजी। क्या ये तुम्हारा गुरु है? नहीं, ये माला नहीं हो सकती, ये माला नहीं हो सकती। ओ, तू मोह और माया के जाल में फंसा है मूर। ये तेरी बेटी नहीं, तेरी बेटी का शव है। काल सत्यम जीवन मिथ्या। बेटी माला। ओम शांति शांति माला माला। नहीं नहीं, माला नहीं मर सकते, कभी नहीं मर सकते। होश में आओ पीरू, होश में आओ। सारा जंगल के रखा है, माला मर गई। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं जिंदा हूँ, देख मेरी सांस चल रही है, मेरा दिल धड़क रहा है। मैं जिंदा हूँ तो मेरी माला कैसे मर सकती थी? दीदी, माला की सन्यासी बाबा ने कहा है वो मर गई। सन्यासी? वो छूटा है, उसकी आंखों में बसता है। सब सन्यासी ने क्या दीदी, मैं उसे मार डालूंगा आज। पीरू, पीरू। मैं इसका खून कर दूंगा। मैं भी इसी की तलाश में हूं, लेकिन कानून को अपने हाथ में लेना अच्छा नहीं। तुम कौन? समझो तुम्हारा दोस्त। हम दोनों की मंजिल एक है, मिलकर तलाश करेंगे। बेटी की आत्मा भटक रही है, उसे मैंने अपनी आंखों से देखा है। आप उसकी शांति का उपाय नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा महाराज? हम करेंगे बच्चा, उसकी शांति का सदा के लिए प्रबंध कर देंगे। कल्याण हो, कल्याण हो। ओम शिव शिव, ओम शिव शिव। अब अच्छी तरह से याद ना बेटा। अच्छा, तेरी यहाँ के जंगली जानवर तुम्हारी समाधि बना देंगे। नहीं नहीं नहीं, मारो जी। अरे धीरे से बांधो भैया। सुअर के बच्चे, धीरे से बांधो। हाँ, नहीं खोलूंगा, नहीं बोलूंगा। हेलो आर, बोलो ना जी। बता माता गुंडों को बोलता हूँ तो। अरे बाप रे, बाप रे। पीटर, हम भी रानी के साथ भाग जाते तो ये दिन देखना नसीब नहीं होता था। अरे भाई, इन दोनों ने मार मार के मेरा तो भुर्ता बना दिया है, मेरे तो जोर जोर में दर्द हो रहा है। वो देख, मौत आ रही है, मौत आ रही है। अरे बाप रे, बचाओ बचाओ। अरे बालू नहीं। गुरुदेव, महादेव, ब्रह्मदेव, आप महान हैं, आप महान हैं गुरुदेव। आपके दर्शनों की महिमा अगाध है,
ऐसे यहाँ के जंगलवासी कहते हैं। ऐसा? गुरुदेव आपके दर्शन हो गए, हमारी चिंता मिट गई। आप कहाँ से आ रहे हैं? हम हिमालय से आ रहे हैं। हिमालय? हिमालय से यहाँ पधारे हैं। अच्छा, आपके दर्शन के लिए। शिव? ये मौनी बाबा है। शिव? दस साल से इन्होंने मौन व्रत धारण किया है गुरुदेव। अच्छा, शिव शिव शिव। गुरुदेव आपके चरणों में एक ही विनती है, अपने डेरे का पता हमें बता दीजिए, हम वहाँ पधारेंगे। अच्छा, हम तुम्हें साथ ही ले जाएंगे, हमारे पीछे आओ। हाँ देखो, शिव शिव, दुर्देव महादेव ब्रह्मदेव। ओम नमः शिवाय। आओ आओ, यही स्थान है, यही तुम्हें मुक्ति मिलेगी। वाह 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 गुरुदेव महादेव, ध्यान के लिए स्थान अति सुंदर है। आओ मौनी बाबा। आओ, तुम ध्यान करोगे? करेंगे, अवश्य करेंगे गुरुदेव। ध्यान करेंगे आपका वरदान पाएंगे। क्यों मौनी बाबा? घबराओ नहीं, मैं वरदान देता हूं। मैं विक्रम। तुम्हारा पिस्तौल मेरे पास है, गले मिलते हुए मैंने उड़ा लिया था। मैं जानता हूं तुम इंस्पेक्टर राजन हो। और मैं तुम्हारा दुश्मन हूं, मैं तेरा खून कर दूंगा। सरकारी मुजरिम है, इसने न जाने आज तक कितने खून किए हैं, ये सरकार इसका फैसला करेगी। एक कदम भी आगे बढ़ाने की कोशिश की तो गोली से उड़ा दूंगा। उड़ाओ। मैंने गोलियां निकाल कर फेंक दी। वहीं सोते रहो, मुक्ति मिल जाएगी। अबे तुझे मुक्ति तो मैं दूंगा। अगर तुम मुझे न रोकते तो मैंने अभी तक समझ दिया होता। तुम ठीक कहते हो वीरू, मेरी गलती है, इस आदमी के भरोसे पे मैं मारा गया। सीसा, देखा तुमने आदमी पर भरोसा किया तो मारे गए, और मैंने एक जंगली जानवर पर भरोसा किया तो बच गए। तुम ठीक कहते हो बिरु। देखो बिरु, मैं पुलिस मेरा इंतजार कर रही है, मैं उनको लेके आता हूं। और हाँ, तब तक विक्रम पर नजर रखना, वो बहुत खतरनाक लोग हैं, उनके सामने नहीं जाना, सिर्फ नजर रखना, समझे? अरे मैं जानूं तक नहीं छोड़ूंगा बाबू, काट डालूंगा सालों को। अब तुम नहीं बच सकते, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। बीरू, अगर तू जिंदा नहीं चलेगा तो हम तेरी लाश लेकर जाएंगे, ये सरदार का हुक्म है। सरदार को कुछ नहीं मालूम, उसे धोखा दिया जा रहा है, और तुम सब उल्लू के पट्टे हो। मैं कहता हूँ मेरा से हट जाओ। नहीं हटेंगे, हट जाओ, नहीं हटेंगे। Thank you.
ने तो अपनी तरफ से मुझे मार के जमीन में गाड़ भी दिया था, लेकिन you
देव से मिलने के लिए जंगलों में गाती रही, भटकती रही। जब कभी मैंने उससे मिलने की कोशिश की, या तो तेरे आदमियों से घेर लेते थे या सन्यासी के। मैं तेरे पास इसलिए नहीं आ सकी बाबा कि सन्यासी ने तेरी आंखों पे अंधविश्वास की पट्टी बांध रखी थी। कहां गया वो सन्यासी का बच्चा? क्यों पकड़ लो उसे? वोठों की सन्यासी मिला या नहीं? नहीं मिला सरदार। जंगल का चप्पा चप्पा छान मारो, उसे जिंदा या मुर्दा मेरे पाँव में लाकर डालो। जाओ तुम इधर जाओ, सब जाओ। तुम खड़े क्या कर रहे हो? जाओ चलो। छुपे हुए थे? हाँ, आज मैं अपने पाप का बदला लेकर रहा हूँ। बदला? हाँ, मैं उस आदमी का बेटा हूँ जिसका तुमने बाजू काट दिया था। अच्छा, तो तुम आनंद के लड़के हो? बेईमान का लड़का बेईमान ही निकला। खामोश! बेईमान कभी ईमानदार को नहीं मार सकता। खामोश! बदमाशको फिर, अगर तुम और तुम्हारा हाथी मेरी मदद नहीं करते
तो इन बदमाशों को मैं कभी नहीं पकड़ पाता। बहुत बहुत शुक्रिया बीरू। ठीक है बाबू, तुम अपने इन पढ़े लिखे शहरी आदमी को ले जाओ। अरे हम जंगली हैं, जंगली ही रहने दो। अच्छा बाबू, राम राम, चलते हैं। गुड लक। शुक्रिया।